इसके डिस्कशन में पहले तो एक ये चीज है कि जब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड यूज करते हैं तो रूल्स वाले पार्ट अलग अलग जगह के लिए अलग अलग है, जैसे फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग है, अनसैचुरेशन के लिए अलग है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए अलग है। अब ये सारे के सारे पार्ट को जब हम लोग यूज करना शुरू करते हैं, फिर डिस्कस करना शुरू करते हैं, तो प्रॉपरली कोई रूल लिखना थोड़ा मुश्किल काम होता है। बट तुमको सारी चीजें ढंग से थोड़ी समझनी पड़ेंगी कि हम लोग क्या क्या पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, और इसके जितने एग्जाम्पल्स है उसको हम लोग रूल्स के जैसा ही डिस्कस किया करेंगे। कुछ बेसिक पॉइंट्स है, वो बेसिक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। जैसे अगर मान लो एक साइक्लिक कंपाउंड दे रखा, तो हो सकता है कि साइक्लिक कंपाउंड के अलावा इस कंपाउंड से अटैच या फिर साइक्लिक रिंग से अटैच एक कार्बन चेन वाला पार्ट प्रेजेंट हो। इस तरह का सिनेरियो हो सकता है, आइदर ये साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा या फिर ये रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा। मतलब अगर हम लोग पेरेंट चेन के टर्म में बात करें तो पेरेंट चेन वाले पार्ट में आइदर हम लोग ये साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा, नहीं तो ये रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही पेरेंट चेन बनेगा। ये डिसाइड करना सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन है कि साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन है। तो पहले तो हम लोग यही देखते हैं कि रिंग का पार्ट पेरेंट चेन रखना है या साइड चेन का पार्ट पेरेंट चेन रखना है। उसके लिए हम लोग कुछ कुछ रूल्स की बात करते हैं। तो उसमें जैसे सबसे पहला पार्ट जो हम मेंशन करने जा रहे हैं वो इस तरीके से ही मेंशन करेंगे कि हम तो रिंग वाले पार्ट को पेरेंट चेन कब बना सकते हैं। सबसे पहला पार्ट इस केस में सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में ऐसा लिख देते हैं, और इस चीज को रिंग वाले पार्ट से एसोसिएट करके रख रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रिंग एज अ पेरेंट चेन, एज अ पेरेंट चेन, और इस रिंग वाले वर्ड को थोड़ा हाईलाइट कर लेना, सिलेक्शन ऑफ रिंग एज अ पेरेंट चेन। हम लोग रिंग वाले पार्ट को पेरेंट चेन जैसा कब लेंगे, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। जिसमें सबसे पहला पार्ट जो हम लोगों को ध्यान रखना होगा, हायर नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द रिंग या अटैच्ड टू द रिंग। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप ज्यादा नंबर में रिंग से अटैच है तो उसके इसमें रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन होगा। सबसे पहला ये रूल ध्यान रखना है अपने को। अगर इसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम लोग सेकंड वाले पार्ट पे जाएंगे, और सेकंड वाले पार्ट पर फिर हम लोग हायर नंबर ऑफ अनसैचुरेशन की बात करेंगे। हायर नंबर ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन द रिंग प्रेजेंट इन द रिंग रिंग में ज्यादा अनसैचुरेशन होना चाहिए। अगर इन दोनों से डिसाइड नहीं कर पाए, फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं कर पाए, अनसैचुरेशन वाले पार्ट से डिसाइड नहीं कर पाए, तो फिर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर जाएंगे। और नंबर ऑफ कार्बन में एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, नंबर ऑफ कार्बन वाले पार्ट में मोर और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, मोर और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द रिंग। अगर ज्यादा कार्बन हुआ या इक्वल कार्बन हुआ, दोनों केसेस में हम लोग आराम से जो रिंग वाला पार्ट है उसी चीज को पेरेंट चेन बनाते हुए काम करेंगे। मोर और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द रिंग, और यहां से डिसाइड नहीं कर पा रहे तो इस केस में मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऐसा मेंशन कर सकते हैं, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट attached to the ring ये एक पार्ट हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब हम लोग सबसे पहला सिनेरियो पहले करके चले तो सबसे पहले हम लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप चाहिए। अगर उससे डिसाइड नहीं कर पा रहे तो फिर हम लोग सेकंड सिनेरियो पहले करके चले तो सेकंड वाले पार्ट में हम लोग आराम से हायर नंबर ऑफ अनसैचुरेशन वाले पार्ट की बात कर रहे थे। अगर उससे डिसाइड नहीं कर पा रहे तो हम लोग मोर नंबर और इक्वल नंबर की बात करेंगे। ज्यादा कार्बन हुआ या बराबर कार्बन हुआ, दोनों केसेस में रिंग वाला पार्ट चेन बनेगा। और सबसे लास्ट में जब इससे भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट से आराम से जा सकते हैं। और इसके नीचे एक छोटा सा पॉइंट आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, इन अदर केसेस द साइड चेन
साइड चेन मतलब जो रिंग से अटैच कार्बन चेन है, द साइड चेन विल बिकम द पेरेंट चेन एंड द रिंग विल बिकम द सब्स्टिट्यूएंट. द रिंग विल बिकम द सब्स्टिट्यूएंट. इसके अलावा कोई भी और केसेस लेके चलेंगे तो उस केस में साइड चेन वाला पार्ट करेंट चेन होगा और रिंग वाला पार्ट अपना सब्स्टिट्यूएंट आराम से बन जाएगा. ठीक है. रूल्स वाले पार्ट को बस नोट डाउन करो. रूल्स का अब तक तुम लोग आइडिया लग चुका है कि रूल्स वाले पार्ट हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए जरूरी समझते हैं, बट एग्जाम्पल जैसे जैसे करते जाएंगे तुमको समझ में आता जाएगा. तो क्वेश्चन वाले पार्ट हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते चले जा रहे हैं. ठीक है. तो रूल्स वाले पार्ट का थोड़ा ध्यान रखना. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ये चीज मेंशन कर सकते हैं, नंबरिंग वाला पार्ट कैसे होगा. तो नंबरिंग वाले पार्ट में सबसे पहला पार्ट, नंबरिंग ऑफ रिंग एज अ पेरेंट चेन. साइड चेन वाला पार्ट तो सिंपल सा, साइड चेन वाला पार्ट हम लोग पहले भी कंसिडर कर चुके हैं तो उसको तो यहाँ लेने की जरूरत नहीं है. रिंग के केस में हम लोग नंबरिंग कैसे कंसिडर करेंगे हम लोग चीज का डिस्कशन कर रहे हैं. तो उसमें सबसे पहला पार्ट इफ वनली या फिर चलो ठीक है, रिंग वाले पार्ट में ऐसा मेंशन कर लेते हैं. इफ वनली वन फंक्शनल ग्रुप अनसैचुरेशन और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट. अगर केवल एक फंक्शनल ग्रुप या केवल एक अनसैचुरेशन या केवल एक सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तब इस केस में क्या करेंगे. तो इस तरह के सिनेरियो में हम लोग सबसे पहला प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को डालेंगे. ये हमेशा से हम लोग करते आ रहे थे. अगर इससे डिसाइड नहीं हो पा रहा तो फिर हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन में आराम से अनसैचुरेशन को हायर प्रायोरिटी में रखेंगे. अगर इससे भी डिसाइड नहीं हो पा रहा तो उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन में हम लोग आराम से सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को प्रायोरिटी में रखते हुए काम करेंगे. बट अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग इस तरीके से काम करेंगे. एक अनसैचुरेशन तो इस तरीके से काम करेंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट तो इस तरीके से काम करेंगे. ये कुछ रूल्स है इसको मेंशन करते जाओ, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है. एग्जाम्पल्स में कुछ कुछ और भी कुछ पॉइंट्स होंगे जिसको हम लोग लैंग्वेज में लिखा नहीं सकते. मतलब वैसा चीज है कि जो हम हिंदी में बोलेंगे तो तुमको समझ में आएगा, तो हम लोग उसी टाइम पे आराम से देखेंगे. और इस चीज को नोट डाउन करने के बाद जो सेकेंड पार्ट है, इफ टू और मोर, इनफैक्ट जब तीन होता है तभी मोस्टली इस चीज की जरूरत पड़ती है. इफ टू और मोर फंक्शनल ग्रुप अनसैचुरेशन और सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, तब उस केस में हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करते हैं. ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉर फंक्शनल ग्रुप भी अप्लाई करना है, अनसैचुरेशन वाला पार्ट भी अप्लाई करना है, और इसके अलावा हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी ये चीज अप्लाई करना है. मतलब अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर करना शुरू करें इस केस में फंक्शनल ग्रुप, अगर मान लो तीन फंक्शनल ग्रुप है तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फंक्शनल ग्रुप के लिए अप्लाई करो. अगर अनसैचुरेशन है तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अनसैचुरेशन के लिए अप्लाई करो. अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल सब्स्टिट्यूएंट के लिए अप्लाई करो. एक चीज यहाँ पे है जिसको हम लैंग्वेज में नहीं लिखा सकते, उसको समझना होगा तुम लोगों को, ढंग से सुनना चीज को. अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं कर पा रहे और उसमें अनसैचुरेशन भी है तो अनसैचुरेशन के लिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई नहीं करना है. फिर उसके बाद जिस साइड से जाने पे पहले अनसैचुरेशन आएगा इस चीज को देखना है. ठीक है. इस चीज का फिर से हम रिपीट कर रहे हैं. अगर मान लो कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप अनसैचुरेशन सब्स्टिट्यूएंट सारा का सारा चीज है और फंक्शनल ग्रुप पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई कर दिए बट उससे काम नहीं चल पा रहा, तब उस केस में फंक्शनल ग्रुप के बाद लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई नहीं करेंगे. फिर उसके बाद हम लोग पहले आओ पहले पाओ वाला चीज यूज करेंगे. जिस साइड से जाने पे अनसैचुरेशन पहले मिल रहा, जिस साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल रहा, तो प्रायोरिटी का थोड़ा ध्यान रखना. अगर फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो अनसैचुरेशन देखा. अगर मान लो कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, केवल अनसैचुरेशन है, तो पहले लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करो और इससे अगर डिसाइड नहीं हो पा रहा
तब इसके बाद फिर सर्किटेंट के पोजीशन वाले पार्ट में मूव करो, तब इसमें लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल अप्लाई नहीं करना है। अगर सवाल में फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, अनसैचुरेशन भी नहीं है, लेकिन केवल सर्किटेंट है, तब उस केस में लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल वाले पार्ट को अप्लाई करके करने की कोशिश करना है। मतलब डिपेंड करेगा कि हम लोग का कौन सा सिनेरियो है। अगर केवल सब्स्टिट्यूएंट है तो लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो पहले फंक्शनल ग्रुप पे लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल अप्लाई करो, बट बाकी बचे पार्ट को हम लोग पहले और पहले पार्ट एक्शन यूज करेंगे। अगर केवल अनसैचुरेशन है तो पहले लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल, और उसे डिसाइड नहीं हो पा रहा तो सब्स्टिट्यूएंट में जिस साइड से जाने से पहले हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है इस एक चीज की बात करेंगे। तो उस चीज को यहाँ पे लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर सिनेरियो का थोड़ा ध्यान रखना है। एग्जाम्पल जब मेंशन करेंगे तो रूल्स हम लोग को बाय डिफॉल्ट समझ में आने शुरू हो जाएंगे, एक एक करके रूल्स मेंशन करते चले जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंशन करते चले जा रहे हैं। जैसे मान लो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ये ले लेते हैं, हाँ चलो ठीक है, मान लो ये कंपाउंड दे रखा और इस कंपाउंड वाले पार्ट में नोमेनक्लेचर करना है, तो कैसे नोमेनक्लेचर करें? मान लो ये कंपाउंड दे रखा, ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हम लोगों के इस कंपाउंड के अंदर कोई अनसैचुरेशन नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, केवल कार्बन चेन है। अब इस कार्बन चेन में साइड चेन वाला पार्ट ऊपर लेके चल रहे हैं और यहाँ रिंग वाला पार्ट है, तो पहला चीज आइदर साइड चेन पेरेंट चेन बनेगा या रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा। कैसे डिसाइड करेंगे? तो पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उससे काम नहीं हो पा रहा तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, उससे काम नहीं हो पा रहा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर अपने रिंग वाले पार्ट में कार्बन की बात करें तो टोटल रिंग में 3 कार्बन है, जबकि साइड चेन वाले पार्ट में टोटल मिला के 4 कार्बन है। इसका मतलब साइड चेन वाले पार्ट में ज्यादा कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपना साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। और एक बार साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन बन गया तब उस केस में रिंग वाला पार्ट अपना सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ये चीज आराम से बोला जा सकता है। अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, जिसको डाउट होगा बेहिचक पूछते चले जाना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी डाउट है पूछ लो। कोई डाउट नहीं किसी को? चलो ठीक है। तो जैसे अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सबसे पहला चीज तो ये कि हम लोग का साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन होगा और नीचे वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो नंबरिंग कैसे करें? साइड चेन को पेरेंट चेन मान के काम करना है। तो जैसे अभी तक हम लोग क्या काम करते थे, जैसे यहाँ ब्रोमीन था तो नंबरिंग में 1 के बाद 2, जिस साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट को पहले नंबर मिल रहा है उस साइड से नंबरिंग कर सकते हैं आराम से। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में अब ब्रोमीन के जगह पे साइक्लिक रिंग वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग किधर से शुरू करें? जिस साइड से जाने पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए, मतलब सेकंड पोजीशन वाले पार्ट को यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 4 का कार्बन चेन है, इसका मतलब ब्यूट वर्ड यूज करेंगे, अल्केन है मतलब एन यूज करेंगे, और सेकंड पोजीशन पे 3 का कार्बन चेन है, साइक्लो वर्ड लगा सकते हैं। ये तो हमने सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो यूज करो, अगर नहीं है तो साइक्लो यूज नहीं करना है। तो इस केस में साइक्लो के साथ 3 का कार्बन चेन है, तो इस केस में आराम से साइक्लो प्रोपेन नोमेनक्लेचर होना चाहिए था, बट क्योंकि ये कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग प्रोपेन वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग नोमेनक्लेचर में आराम से प्रोपाइल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में साइक्लो प्रोपाइल वर्ड यूज किया जा सकता है। तो अपने सेकेंड नंबर कार्बन वाले पार्ट पे साइक्लो प्रोपाइल वर्ड यूज कर सकते हैं, तो ओवरऑल नोमेनक्लेचर साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन आराम से मेंशन किया जा सकता है, ये इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो जाएगा, नो डाउन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आराम से पूछ सकते हैं, जिस भी स्टेप में कोई डाउट होगा आराम से पूछ सकते हैं। पहले जो भी हम एग्जांपल्स दे रहे हैं वो सारे के सारे एग्जांपल्स हम लोग का साइड चेन और रिंग, तो इन दोनों में डिसीजन होगा, और मोस्टली हम ऐसा एग्जांपल पुटअप करेंगे जिसमें साइड चेन वाला पार्ट ही पेरेंट चेन हो। अभी हम सारे एग्जांपल्स ऐसा पुटअप करेंगे जिसमें साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन हो, फिर उसका रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन होगा, नोमेनक्लेचर उसी हिसाब से करना शुरू करेंगे। तो अगले एग्जांपल्स को एक बार खुद से ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 2 को खुद से ट्राई करके देखना।
मिली, क्या आंसर होगा? सर टू साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल। टू साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल, चलो ध्यान दो। सबसे पहला चीज, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर जो कि साइड चेन से अटैच्ड है, तो यही पार्ट अपना पेरेंट चेन बनेगा। सबसे पहला तो पेरेंट चेन डिसाइड हो गया। अब एक बार पेरेंट चेन डिसाइड हो गया तो पेरेंट चेन का नंबरिंग तो करेंगे, बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को हाईलाइट कर लेते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। नंबरिंग करते वक्त पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं, मतलब लोएस्ट नंबर देते हैं। तो यहाँ कार्बन नंबर वन, यहाँ कार्बन नंबर टू वाला पार्ट ऐसा मेंशन कर दिए, तो दो का कार्बन चेन इसका मतलब इथ, अल्केन है तो इसलिए इथेन, और इथेन वाले पार्ट में OH अपना फंक्शनल ग्रुप है जो कि कार्बन नंबर वन पे होगा, तो इथेन वन ऑल मेंशन किया जा सकता है। और सेकेंड नंबर कार्बन वाले पार्ट पे साइक्लोप्रोपाइल है, तो टू पे आराम से साइक्लोप्रोपाइल मेंशन कर सकते हैं। टू साइक्लो प्रोपाइल इथेन वन ऑल, ये कंप्लीट नॉमेनक्लेचर मेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। ट्राई करके देखो सवाल, और जहां पे भी डाउट होगा पूछते चले जाना। चलो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर थ्री वाले पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर थ्री वाले पार्ट में साइड चेन में अनसैचुरेशन है, तो अगर साइड चेन वाले पार्ट में अनसैचुरेशन है इसका मतलब यही पार्ट अपना पेरेंट चेन बनेगा। अब पेरेंट चेन का जब नंबरिंग करेंगे तो इधर कार्बन नंबर वन ही हो गया या कार्बन नंबर वन नीचे वाले साइड से हो जाएगा, तो जिस साइड से जाने पे पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल गया उसी साइड से जा सकते हैं, क्योंकि कार्बन चेन तो दो ही का है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो वन पोजिशन पे क्लोरो, तो वन क्लोरो हो जाएगा, और वन पोजीशन पे इस बार ये जो सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट है ये चार का कार्बन चेन है। चार के कार्बन चेन के लिए हम लोग आराम से साइक्लोब्यूट वर्ड यूज कर सकते हैं, तो साइक्लोब्यूटाइल नोमेनक्लेचर हो जाएगा। मतलब अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में वन पे हम लोग साइक्लोब्यूटाइल वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा, तो हम लोग के पास ऊपर सी के बाद एच है जबकि यहाँ सी के बाद वाई है, तो पहले अल्फाबेटिकली क्लोरो वाला पार्ट आएगा। नोमेनक्लेचर में दो का कार्बन चेन था इथीन बोल सकते हैं, तो वन क्लोरो पहले जाएगा और उसके अलावा वन साइक्लोब्यूटाइल वाला पार्ट, तो वन क्लोरो वन साइक्लोब्यूटाइल इथीन, ये अपना कंप्लीट नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, चलो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर फोर में। क्वेश्चन नंबर फोर वाले पार्ट में साइड चेन में तीन कार्बन है और रिंग वाले पार्ट में भी तीन कार्बन है, तो जब साइड चेन में और रिंग वाले पार्ट में इक्वल कार्बन होगा तो रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा। जब तक ज्यादा कार्बन ना हुआ तब तक हम लोग रिंग वाले पार्ट को पेरेंट चेन बनाएंगे। तब उस केस में इस बार अपने स्ट्रक्चर में ये रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन होगा, और एक बार रिंग पेरेंट चेन बन गया तो ये साइड चेन वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में तीन का कार्बन चेन, इसका मतलब साइक्लो और प्रोपेन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं, अपना नोमेनक्लेचर साइक्लोप्रोपेन हो गया। और उसके अलावा यहाँ तीन का कार्बन चेन के लिए लोग इथेन वर्ड यूज कर सकते थे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, तो इथाइल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में इथाइल साइक्लोप्रोपेन आराम से नोमेनक्लेचर कंसिडर किया जा सकता है, नो डाउट कर लो। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछते चले जाना। हाँ बोलो सर, इथाइल साइक्लोप्रोपेन में इथाइल का पोजीशन मेंशन नहीं करना है? क्योंकि एक चीज ऐसा सोचो कि साइक्लोप्रोपेन अगर है और इसमें इथाइल ग्रुप अगर लगाना है, केवल एक ही ग्रुप लगाना है, केवल एक ग्रुप, तो इथाइल यहाँ हो या सॉरी इथाइल भी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, तीन कार्बन है यहाँ पे, इथाइल नहीं प्रोपाइल होगा, प्रोपाइल प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इस केस में प्रोपाइल वाला पार्ट यहाँ हो
या फिर प्रोपाइल वाला पार्ट इस पोजीशन पे हो, कोई फर्क थोड़े ना पड़ रहा है, क्योंकि एक ही तो सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए पोजीशन देने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाएगा। ठीक है, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट होता तो पोजीशन देना पड़ता, बट अभी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट नोमेनक्लेचर, चलो एक ये ट्राई करके देख सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट तुमको रूल समझ में आ जाएगा। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, इस कंपाउंड वाले पार्ट में दोनों रिंग ही है। अब अगर दोनों के दोनों पार्ट रिंग है तो उसकी इसमें लो पेरेंट चेन कौन सा लेके चले, तो ऑब्वियस सी बात है जो बड़ा रिंग होगा वो अपना पेरेंट चेन होगा। फंक्शनल ग्रुप देखना है, अनसैचुरेशन देखना है, नंबर ऑफ कार्बन देखना है, तो फंक्शनल ग्रुप ना पहले रिंग में है ना दूसरे रिंग में है, अनसैचुरेशन ना पहले रिंग में है ना दूसरे रिंग में है, तो नंबर ऑफ कार्बन पे अगर जाएंगे इसका मतलब पहले वाले केस में 5 कार्बन है जबकि दूसरे वाले केस में 3 कार्बन, तो पहला वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बनना चाहिए। और पहला वाला पार्ट अगर अपना पेरेंट चेन बन गया तो इसका मतलब फिर हम लोग छोटे वाले चेन को आराम से सब्स्टिट्यूएंट बना के काम कर सकते हैं। तो पहले वाले चेन का नोमेनक्लेचर जो पेरेंट चेन है, साइक्लो और 5वीं कार्बन चेन के लिए पेंट आराम से साइक्लोपेंटेन बोल सकते थे, और दूसरे वाले केस में नोमेनक्लेचर में हम लोग आराम से साइक्लोप्रोपाइल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, पूरे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स है जो तुमको ध्यान रखने हैं, जो बिल्कुल मालूम होना चाहिए, और इन सब एग्जांपल्स के बाद अब हम लोग थोड़ा अगले रूल्स में मूव करना शुरू करेंगे। नोट कर लो इतने एग्जांपल्स को, कोई डाउट है यहाँ तक एग्जांपल्स में तो आराम से पूछ लो। और अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट वाले एग्जांपल में मूव करते हैं। चलो ध्यान दो, एग्जांपल नंबर 6। अब हम लोग रिंग वाले पार्ट को पेरेंट चेन बनाते हुए उसमें एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट या एक से ज्यादा अनसैचुरेशन इस तरह के कुछ चीजों की बात कर रहे होते हैं। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा OH, 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 और इस केस में नोमेनक्लेचर करना है, तो थोड़ा ध्यान देना, अभी नोट डाउन मत करना। इसमें नोमेनक्लेचर करने के लिए अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हम इनकी बात करते हैं, मतलब ठीक है कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उन सारे पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो OH, OH और OH और तीन और भी आएगा ये पार्ट, 4, 5, 6। चलो जान दो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, हम इस चीज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा या एक से ज्यादा अनसैचुरेशन होंगे या एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे, तब नंबरिंग करते वक्त जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कार्बन नंबर 1 होगा। चेन टर्मिनेटिंग अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग, बट अभी के लिए जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वो कार्बन नंबर 1 होगा। तो जैसे एक चीज है, तीनों के तीनों तो सेम फंक्शनल ग्रुप है, मतलब तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो तीनों का ही पार्ट हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप अगर मान के चले, तो इधर इस कार्बन से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं या इस कार्बन से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं या थर्ड वाले OH के कार्बन से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। मतलब बेसिकली नंबरिंग वाले पार्ट को शुरू करने के लिए अपने पास 3 पॉसिबिलिटीज है, तो हम पहले फर्स्ट वाले पार्ट को फॉलो करके चल रहे हैं। अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करना है तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी कार्बन नंबर 1 ये बोला और इसके बाद क्लॉकवाइज मूव कर गए 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में मूव कर गए। ठीक है, और इसके बाद मान लो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में एक नंबरिंग ये किया कि कार्बन नंबर 1 बोला और क्लॉकवाइज मूव कर गए ऐसा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक ये तरीका है। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब भी कभी हम लोग रिंग के किसी एक कार्बन को कार्बन नंबर 1 बोलेंगे तो हमेशा इधर उससे क्लॉकवाइज या उससे एंटी क्लॉकवाइज यही 2 ऑप्शन अपने पास अवेलेबल होगा मूव करने के लिए। तो कार्बन नंबर 1 पे हम लोग का OH ग्रुप है, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रोल में फंक्शनल ग्रुप के सारे पोजीशंस को हम लोग मार्क करेंगे। तो कार्बन नंबर 1 वाले पार्ट को OH ग्रुप था, उसके अलावा कार्बन नंबर 2 वाले पार्ट को OH ग्रुप था, कार्बन नंबर 3 को OH ग्रुप था, तो यहाँ से अपना वैल्यू आ गया 6।
एक ये पार्ट हम लोग यूज कर सकते हैं नंबरिंग वाले पार्ट में, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर हम लोग व्हाइट वाले नंबरिंग को फॉलो करें तो व्हाइट वाले नंबरिंग में वन, वन के बाद फिर फाइव नंबर पे OH ग्रुप है तो वन प्लस फाइव, उसके अलावा सिक्स नंबर पे OH ग्रुप है तो टोटल मिला के 12। तो अगर हम लोग ऊपर वाले कार्बन को कार्बन नंबर वन चले तो इन दो पॉसिबिलिटीज में 1 + 5 + 6 = 12 ये अपने काम का नहीं है क्योंकि नीचे हम लोग को लोएस्ट वैल्यू मिल रहा। तो चलो ठीक है, एक ही कार्बन के दो पॉसिबिलिटीज में एक को रिजेक्ट कर दिया, दूसरे वाले पार्ट से नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, अच्छा ठीक है, छह स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीन में ही काम चल जाएगा। दूसरा पार्ट, ये कार्बन को हम लोग कार्बन नंबर वन बोलते हैं, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन नंबर वन बनेगा, ये बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद बाकी बचे पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना है। तो क्लॉकवाइज अगर मूव करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 1 + 2 + 6 टोटल मिला के 9 आया वैल्यू। अगर हम लोग व्हाइट वाले नंबरिंग को फॉलो करें मतलब एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो नोमेनक्लेचर में 1 + 2 + 6 इसका मतलब यहाँ से भी 9 आया वैल्यू, दोनों तरफ से 9 आ रहा है वैल्यू, लेकिन पहले तो अपना वैल्यू 6 आ चुका है, इसका मतलब ये दोनों ही अपने काम का नहीं है, तो ये नंबरिंग तो बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकते, इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट पे गए, इस कार्बन को कार्बन चेन के लिए काउंट किया तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसा मेंशन किया, 4, 5, 6 तो अपने पोजीशन पे 1 आ गया 2 आ गया और 3 आ गया, इसका मतलब टोटल वैल्यू 6 के बराबर है। दूसरी पॉसिबिलिटी 1 नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तो 1 पोजीशन पे OH ग्रुप है, 3rd पोजीशन पे OH ग्रुप है, सॉरी 3rd भी नहीं, 5th पोजीशन पे OH ग्रुप है और 6th पे मतलब 12। तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया, ये पार्ट हो सकता है लेकिन पहले भी तो यही पार्ट था। तो अब एक चीज देखो, अगर ढंग से इस कंपाउंड को देखो तो इस केस में कंपाउंड को बीच से अगर डिवाइड करते हैं तो सिमेट्रिकल कंपाउंड है, बिल्कुल दो आधे पार्ट में डिविजन हो रहा है। अगर सिमेट्रिकल है तो नंबरिंग करने का दोनों ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है, मतलब ये नंबरिंग करो या फिर ये लास्ट नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम ही चीज निकल के आएगा। तो इसलिए हम लोग इन दोनों में से कोई भी नंबरिंग यूज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट ये है कि बाकी और कोई नंबरिंग यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग का इस तरह का कंपाउंड देगा तो कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग पहले लोएस्ट सेट ऑफ लुकेंड रूल अप्लाई करते वक्त इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जिस कार्बन से अपना OH ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन वाला पार्ट अपना कार्बन नंबर वन बनेगा। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में एक OH ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप, तीसरा OH ग्रुप अगर लेके चले तो 1, 2, 3 ये हम लोग का नंबरिंग का पार्ट हो सकता है। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोगों के पास 6 का कार्बन चेन है, इसका मतलब साइक्लोहेक्स, और क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसका मतलब एन होना चाहिए, और इसके बाद 1 पोजीशन 2 पोजीशन और 3rd पोजीशन पे 3 OH ग्रुप है तो हम लोग आराम से साइक्लोहेक्सेन 1, 2, 3 ट्रायऑल वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। ये अपने नोमेनक्लेचर का पार्ट हो जाना चाहिए, नोट कर लो इस चीज को, अगर कोई डाउट होगा किसी भी स्टेप में तो आराम से पूछ सकते हैं। अभी नंबरिंग का पार्ट सीखना है तुम लोगों को, अभी हम लोग सारे एग्जांपल्स मेंशन करते जाएंगे एक एक करके। थर्ड OH की जगह अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप होता फिर भी तो नंबरिंग तो नहीं, तब डिपेंड करता है कि हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट मेन कौन सा है, पहले मेन फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। एक बार मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर लिया तो बाकी फंक्शनल ग्रुप तो सब्स्टिट्यूएंट होता है, वो अपने काम का नहीं रह जाता है कि नहीं।
अगर इसको नोट कर लिया होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे मूव करते हैं। नोट नहीं होगा तो बता देना। अच्छा मिली, एक चीज बताओ। यस सर। लॉकडाउन अगर खत्म हो गया, अनाउंसमेंट हो गया कि कोचिंग शुरू होने वाला है, तो ऑफलाइन क्लासेस करने आओगी तुम क्या? हाँ सर, हम आ जाएंगे। क्योंकि हम लोग ऐसे एक सर्वे ले रहे हैं, क्योंकि अगर लॉकडाउन खत्म होगा तो हम लोगों को अपना ऑफिस स्पेस वापस से रिज्यूम करना होगा, तो इसलिए बातचीत करना जरूरी है कि मतलब क्लासेस हम लोग को शुरू कराना है, कब से कराना चाहिए। एक है कि हम लोग केवल ऑफिस स्पेस ले, दूसरा है क्लासरूम के लिए भी स्पेस ले, क्योंकि अगर पेरेंट्स लोग नहीं भेजेंगे स्टूडेंट लोगों को तो फिर स्पेस रखने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो क्या लगता है तुमको, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होगा तो तुम ऑफलाइन क्लासेस आकर क्लासेस करोगे कि ऑनलाइन करना क्लास? नहीं सर, हम ऑफलाइन करेंगे, जब शुरू हो जाएगा हम तब आके कर लेंगे। आदित्य कौशल, आदित्य क्या बोला, आवाज ही नहीं आया? आवाज नहीं जा रहा है सर। हाँ अभी आ रहा है, बोलो बोलो। हम तो बहुत दूर है, हम कुछ कंफर्म नहीं है अभी। हाँ इसके घर वाले इसको भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे पुकारो, यही नहीं मालूम है। श्रुति? यस सर। घर वाले डिसाइड नहीं करेंगे अभी तो भेजना है कि नहीं भेजना है? तनुश्री रेडी है सर। अच्छा घर वाले रेडी है भेजने के लिए, बढ़िया चीज है। हाय तनुश्री। यस सर। ऑफलाइन क्लासेस? हाँ चलेगा, चलेगा, मतलब अभी कुछ पक्का पता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत इश्यूज हो जाता है, आवाज नहीं आता है, फिर वही सब प्रॉब्लम हो जाता है। ऑनलाइन पढ़ाई फिजिबल नहीं है, हमको भी मालूम है, बहुत दिन से हमको मालूम है कि ऑनलाइन पढ़ाई फिजिबल नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में क्लासेस के लिए भेजने का रिस्क लेंगे क्या पेरेंट्स? ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हम लोग आगे का प्लानिंग इसी के ऊपर डिपेंड करे। हम लोग ऑफिस स्पेस रखना है, कितना बड़ा रखना है। एक ये ऑप्शन हो सकता है कि हम लोग डाउट क्लासेस के लिए एक ऑफिस स्पेस रखे जहाँ करके आदमी डाउट क्लासेस ले पा रहा है, तो हम लोग सुबह से शाम तक डाउट क्लासेस देंगे, अपना क्लास नॉर्मली जैसा है वैसा देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि हम लोग क्लासेस नहीं रख पाएंगे उस टाइम पे, क्लासेस रखने का मतलब वो काफी बड़ा स्पेस चाहिए, तो डाउट क्लासेस वगैरह हम लोग ऑफलाइन रख सकते हैं, ये हम लोग पहले से ही प्लान कर रहे थे। चलो देखते हैं, सब लोगों से एक बार सर्वे लिया जाएगा, रिव्यू लिया जाएगा, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मान लो अगर ये सवाल दे रखा, तो इस सवाल वाले पार्ट में जैसे एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा नया पार्ट है, जब भी कभी हम लोगों के पास एक डबल बॉन्ड देगा तो डबल बॉन्ड वाले पार्ट में एक चीज ध्यान रखना होता है नंबरिंग में। सबसे पहला काम डबल बॉन्ड को घेरना होता है, मतलब जो भी डबल बॉन्ड देगा उसको कवर करना होता है सबसे पहला पार्ट। अगर जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा, इस कंपाउंड वाले पार्ट का जब हम लोग नंबरिंग करना शुरू करेंगे तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही नंबरिंग शुरू करेंगे। अब मान लो जैसे अपने पास चार पॉसिबिलिटी है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन एक ये हो सकता है, या डबल बॉन्ड वाला कार्बन नंबर वन ये हो सकता है, या डबल बॉन्ड का कार्बन नंबर वन ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है। बट एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है, अगर हम लोग ये कार्बन नंबर वन ऊपर वाले कार्बन को बनाते हैं तो इसके बाद हम लोग को हमेशा राइट साइड में ही जाना पड़ेगा, ताकि दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो कॉमन डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड पहले घेरा जाए। हमेशा डबल बॉन्ड को पहले कवर करना होता है, हम लोग वन के बाद इस साइड टू डाल ही नहीं सकते, ये एक चीज ध्यान रखना है। एक बार डिसाइड कर लिया कि ये डबल बॉन्ड वाले पार्ट से नंबरिंग करना है जिसमें कार्बन नंबर वन इसको बोलना है, उसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड में नहीं जाएंगे, हमेशा डबल बॉन्ड में पहले उस अल्कीन को कवर करना होता है, उसको घेरना होता है। तो वन के बाद हमेशा टू इधर ही से जाएगा, और उसके बाद बाकी बच्चे थ्री और फोर, ये अपना एक नंबरिंग का पार्ट हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोग का अल्कीन वाले पार्ट में नंबरिंग यहाँ से शुरू करें वन, तो अगर नीचे वाले को वन दिया तो अब हम लोग नीचे टू डाल ही नहीं सकते, हमेशा डबल बॉन्ड को पहले कवर करेंगे हम लोग। तो वन के बाद टू इधर साइड मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद थ्री फोर फाइव सिक्स मेंशन कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि ऊपर वाले डबल बॉन्ड को छोड़ दिया, नीचे वाले से काम करता है, तो कार्बन नंबर वन अगर ये है तो टू नंबर फिर नीचे ही देना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, फिर उसका थ्री फोर फाइव सिक्स बोल सकते हैं। और अगर मान लो कि हम लोग का डबल बॉन्ड वाला पार्ट यहाँ से शुरू नंबरिंग में करते हैं तो वन के बाद टू इधर ही देना पड़ेगा, थ्री फोर ऐसा मेंशन कर सकते हैं।
तो हम लोग अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल अप्लाई करें पहले वाले केस में, तो पहले वन पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, उसके अलावा थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब टोटल वैल्यू अपना 4 के बराबर आएगा, 1 + 4। इसका मतलब हम लोगों के नंबरिंग वाले पार्ट में यहाँ पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल 1 और 3 का वैल्यू दे रहा। दूसरे वाले को फॉलो करते तो 1 के बाद हम लोग का अगला पोजीशन 5th है, मतलब 6 नंबर। तो पहले वाले केस में हम लोग का वैल्यू 4 है, जबकि दूसरे वाले केस में वैल्यू 6 है, तो ये तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल नहीं है, इसको तो हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। थर्ड वाले केस में हम लोग का नंबरिंग 1 + 5 आ रहा है वापस से, तो ये भी अपना लोएस्ट वैल्यू नहीं दे रहा, ये भी रिजेक्ट कर सकते हैं। और फोर्थ वाले केस में वैल्यू 1 + 3 आ रहा, मतलब 4। तो इस केस में हम लोग का ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब कैसे डिसाइड करें? तो जैसे अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल अनसैचुरेशन पे अप्लाई करते और वहां से अपना काम नहीं हो पाता, तब फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पे जाते, बट सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं। और एक चीज देखो, अगर ढंग से ये कंपाउंड को बी से डिवाइड करो तो ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट सिमेट्रिकल है, मतलब अगर यहाँ बी से डिविजन करेंगे तो दोनों हाफ एग्जैक्टली सेम है। अगर दोनों सेम है, इसका मतलब हम लोग का सिमेट्रिकल कंपाउंड है, और अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो इस केस में हम लोग कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, बस लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल का ध्यान रखना है। तो ऊपर वाला नंबरिंग करो या नीचे वाला नंबरिंग करो, दोनों ही सही है। और एक बार नंबरिंग कर लिया तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग के पास 4 का कार्बन, सॉरी 6 का कार्बन चेन है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो, 6 के कार्बन चेन के लिए हेक्स, और 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन लगना चाहिए, लेकिन जब डाई ट्राई लगाते हैं तो हेक्सा वर्ड यूज करेंगे। और उसके अलावा 1 पोजीशन और 3rd पोजीशन पर हम लोग का 2 डबल बॉन्ड है, तो आराम से हम लोग साइक्लोहेक्सा 1.3 डाइईन मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। ये अपने कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कंसिडर किया जा सकता है। नोट कर लो इस चीज को, अगर कोई डाउट होगा तो आराम से पूछ सकते हैं। बस ये नंबरिंग का तरीका देखना, डबल बॉन्ड को पहले घेरते हैं, जो दोनों कार्बन डबल बॉन्ड का है, अगर एक को नंबरिंग दे रखा है तो उसके बाद दूसरे में ही जाना होगा, हम लोग उल्टा सीधा इधर उधर काम नहीं कर सकते हैं। नोट कर लो इस चीज को। अगर इस चीज को नोट कर लिया तो नेक्स्ट एग्जांपल वाले पार्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। 8 वाले पार्ट में हम लोग एल्कीन से ही रिलेटेड स्ट्रक्चर टाइप की बात कर रहे हैं। चलो ध्यान दो, इसमें मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा और इसके इसमें नोमेनक्लेचर करना है, तो नोमेनक्लेचर करते वक्त सबसे पहले तो नंबरिंग करेंगे हम लोग। थोड़ा ध्यान देना इस चीज को, अलग से हम इसलिए नोट कर रहे हैं। अगर हम लोग नंबरिंग करना शुरू करें तो 1 के बाद 2 आइदर ये नंबरिंग कर सकते हैं, या फिर दूसरे नंबरिंग करने का तरीका उसी डबल बॉन्ड वाले पार्ट में नीचे वाले को 1 बोल दिया, ऊपर वाले को 2 बोल दिया। तो अपने पास यही 2 ऑप्शन है, 1 के बाद 2 1 के बाद 2। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में यही 2 नंबरिंग करने का तरीका है। बट एक चीज सोच के देखो, सवाल में एक ही डबल बॉन्ड है, तो एक ही डबल बॉन्ड में इधर से 1-2 करे या उधर से 1-2 करे, फर्क क्या पड़ रहा है? उस डबल बॉन्ड को तो फर्स्ट पोजीशन मिल ही रहा है। तो हम लोग अपने इस डबल बॉन्ड से डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग को फिर सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन पे जाना पड़ेगा। जब 1 के बाद 2 हुआ तो उसके आगे यहाँ 3, 4, 5, 6, ये हम लोग का ऊपर वाले पार्ट में नंबरिंग है, जबकि नीचे वाले पार्ट में 3
3, 4, 5, 6 ये नंबरिंग हो सकता है। एक चीज सोच के देखो कि अगर हम लोग ऊपर वाला नंबरिंग करते हैं तो अनसैचुरेशन को तो सेम पोजीशन मिल रहा है ऊपर नीचे, तो हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन पे जाना है। जिस साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल जाए, तो अगर हम लोग ऊपर वाले नंबरिंग को फॉलो करें तो हम लोग का जो सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन वाला पार्ट है ये कार्बन नंबर 3 पे मिल रहा, जबकि नीचे वाले पार्ट में पहला सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन है अगर इस साइड से जाते हैं तो, जो कि कार्बन नंबर 4 पे मिल रहा। तो जिस साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल रहा वो नंबरिंग हम लोग फॉलो करेंगे, दूसरे वाले पार्ट को फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग के पास अगर एक अनसैचुरेशन दिया तो सब्स्टिट्यूएंट पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल अप्लाई नहीं कर रहे हम लोग, वहां पे केवल हम लोग जिधर से जाने पे पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा हो तो 1, 2, 3 ऐसा नंबरिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग के फिफ्थ पोजिशन पे ब्रोमीन है, तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सबसे पहला पार्ट साइक्लिक कंपाउंड है, तो इस केस में साइक्लो अगर 6 का कार्बन चेन है तो हेक्स, और यहाँ एक डबल बॉन्ड है तो आराम से हेक्स 1-ईन मेंशन कर दिया। इसके अलावा हम लोग के थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है तो थर्ड पोजीशन पे 3 क्लोरो, फिफ्थ पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 5 पे ब्रोमो मेंशन कर दिया। अल्फाबेटिकली पहले बी वाला पार्ट आएगा, फिर उसके बाद क्लोरो वाले पार्ट का सी आएगा, तो 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1-ईन आराम से नोमेनक्लेचर में मेंशन कर सकते हैं। नोट कर लो इस चीज को, और इसको नोट करने के बाद तुम्हारे वर्कशीट से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, उन वर्कशीट के क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करते जाना है, उन क्वेश्चन को ट्राई करते चले जाना है। लास्ट क्लास में तुम लोगों को बुकलेट से भी होमवर्क दिया था, तुम्हारे बुकलेट से बहुत सारा क्वेश्चन होमवर्क दिया था, जहां तक हमको ध्यान है कोई भी डाउट नहीं पूछा एक भी, बहुत मार मारेंगे सबको हम सर, है डाउट बहुत सारा, तुम लेट आई है तो इसलिए पूछ नहीं पाए। और हम एक और चीज सोचे क्योंकि हमको पता नहीं चलता है कौन होमवर्क बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, तो इस केस में तुम लोगों का जो डीपीपी है और जो होमवर्क है ये चीज हम लोग ऑनलाइन पोर्ट करने वाले, ऑनलाइन मतलब जो तुम्हारा ये टेस्टिंग पोर्टल है उसी में रहेगा सब कुछ, तो जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा उनको तुरंत पता चल जाएगा कि लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। तो जब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया फिर किए भी है और उसमें जो क्वेश्चन गलत किया उस गलती वाले क्वेश्चन में क्या गलती किया, अगर उसका डाउट नहीं पूछ रहे इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इन सब चीजों को हम लोग यूज कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से, बस उस चीज का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद तुम लोग अगर होमवर्क सॉल्व नहीं करेगा तो बहुत मार्क आएगा सब लोग। इसीलिए ऑफलाइन क्लास करना था सर हमको हमको पहले भी लगता था कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन ये है कि टेक्नोलॉजी को आप यूज करके अपने क्लास के इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। जो लोग पढ़ने में थोड़े बहुत भी आलसी हो रहे हैं उन लोगों का ट्रैकिंग बहुत अच्छे से रख सकते हैं, ऑफलाइन में कोई देखने वाला नहीं है, तो इसीलिए मतलब उसमें टाइम खराब ना हो, कम टाइम में हम लोग ज्यादा इफेक्टिव काम कर पाए, ऑनलाइन चीजें होनी चाहिए और हम लोग इसको काफी अच्छे तरीके से यूज भी करने की कोशिश कर रहे हैं, मजा आएगा। मतलब लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हम लोग काफी सही डायरेक्शन में इस पर काम कर रहे हैं, आगे जाने के बाद धीरे धीरे हम लोग की चीजें काफी स्मूथली चलेंगी, बहुत मजा आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 अगर नोट कर लिया होगा तो फिर हम लोग वर्कशीट वाले पार्ट पे आते हैं। एक मिनट, वर्कशीट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर इसके बाद तुम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट शुरू होगा जो डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर और बाकी है नोमेनक्लेचर का तुम लोगों का, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट हम लोग आराम से शुरू कर लेंगे। तुम्हारा नेक्स्ट क्लास सबसे लास्ट क्लास होगा नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में, इसमें कुछ पार्ट बाकी रह गया अभी उस चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करके देखो, क्वेश्चन नंबर 6 अपने कॉपी में नोट कर लेना स्ट्रक्चर, ट्राई करते जाना। प्रशांत आवाज आ रहा है? यस सर। कुछ समझ आएगा तुमको? लेक्चर खत्म होने के टाइम पे आया तुम, ऑलमोस्ट लेक्चर खत्म हो गया सर, मेरा पार पर हार्ड जा रहा है। क्या है मतलब पार पर नेटवर्क चला जा रहा है? हाँ मालूम है, तुम शुरुआत में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो ठीक है लेक्चर का रिकॉर्डिंग देख लेना, आज ही देख लेना हम लोग जैसे ही अपलोड करेंगे तो, ताकि कोई दिक्कत ना, ठीक है? सर 1 क्लोरो 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन,
ओके सबसे पहला चीज तो ये कि इसमें पेरेंट चेन कौन सा होगा, तो यहाँ पे भी तीन कार्बन है, यहाँ पे भी तीन कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन तो दोनों में सेम है, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, अनसैचुरेशन है नहीं, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तब फिर हम लोग आराम से सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर जा सकते हैं। तो अगर हम लोग का ये तीन का कार्बन चेन पेरेंट चेन बनेगा तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है और उसके अलावा ये भी ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। अगर हम लोग नीचे वाले पार्ट को पेरेंट चेन मानते हैं तो उस केस में यही पार्ट एक पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो ऑब्वियस ही बात है हम लोगों के तीन को कार्बन चेन को या साइड चेन को अगर पेरेंट चेन मानते हैं तो हम लोग को दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। इसका मतलब लोग उसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट का नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, सॉरी पेरेंट चेन क्या होना चाहिए। तो पेरेंट चेन तो मालूम पड़ गया, एक बार पेरेंट चेन मालूम पड़ गया तो उसका नंबरिंग करना है। तो लेफ्ट साइड से करेंगे तो फर्स्ट पोजिशन पे सब्स्टिट्यूएंट, थर्ड पोजिशन पे सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम लोग राइट साइड से नोमेनक्लेचर करेंगे या नंबरिंग करेंगे तब उस केस में भी हम लोग के पास फर्स्ट पोजिशन पे सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट मिल रहा है। तो पहले कहाँ जाए, तो फिर हम लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आना पड़ेगा। यहाँ वाले पार्ट में क्लोरो नाम है जबकि नीचे वाले पार्ट में साइक्लोप्रोपाइल नाम है। तो सी के बाद हम लोग का एच है जबकि यहाँ वाई वाला पार्ट है। तो पहले हम लोग अल्फाबेटिकली सी के बाद एच का नंबर रखेंगे, फिर उसके बाद साइक्लोप्रोपाइल वाले पार्ट को फॉलो करेंगे, मतलब नंबरिंग हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड के लिए शुरू करेंगे। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोगों का तीन का कार्बन चेन वाला पार्ट, मतलब हम लोग आराम से प्रोपेन वर्ड यूज कर सकते हैं। एक काम करते हैं इसको हम साइड में लिख लेते हैं, एक सेकंड। नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में आराम से प्रोपेन वर्ड यूज कर सकते हैं। नंबरिंग वाला पार्ट इस साइड से हम लोग मेंशन कर रहे हैं 1, 2, 3 प्रोपेन। इसके फर्स्ट पोजिशन पे क्लोरीन ग्रुप है तो 1 पे क्लोरो, और उसके अलावा थर्ड पोजिशन पे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है तो 1 पे साइक्लो, सॉरी थर्ड पोजिशन पे साइक्लोप्रोपाइल मेंशन कर दिया। तो 1 क्लोरो 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, ऐसा नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन किया जा सकता है कंपाउंड नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करके देखो, अच्छा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, अच्छा सवाल है। पहले लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल अप्लाई करो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, अगर उससे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तब फिर उसके बाद हम लोग आगे कुछ और चीज रूल्स के हिसाब से सोच के चलेंगे। ट्राई करके देखो पहले सवाल, और जहां कहीं भी दिक्कत होगा आराम से पूछते चले जाना। लाइट नहीं है भाई, बहुत देर से कैसे काम चलेगा ऐसे। सर 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 फ्लोरोहेक्सेन। 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 फ्लोरो हेक्सेन। पक्का? शायद सर। थर्ड पोजीशन पे क्या बोल रहे हैं, थर्ड पोजीशन पे क्लोरो या फ्लोरो? सी फ्लोरो, फ्लोरो थर्ड पोजीशन पे फ्लोरो। यस सर। पक्का? शायद सर। पहले तो एक चीज ये कि अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो सॉरी कुछ गड़बड़ी की गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 1 + 3 + 5 अगर हम लोग ये नंबरिंग करते हैं, तो अगर लेफ्ट साइड से या एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका मतलब 1 + 3 + 5 दोनों केसेस में हम लोग का सेम आ रहा है नंबरिंग। तो इससे मैं दोनों में से कोई भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो हम लोग कार्बन नंबर 1 नीचे वाले पार्ट को लेते हैं, ब्रोमो वाले पार्ट को, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 1, 3, 5 यहाँ से भी वही चीज आ रहा है। क्लॉकवाइज घूम जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब क्लॉकवाइज जाने पे भी हम लोग के पास 1, 3, 5 आ रहा है। तो एक चीज देख के मालूम पड़ रहा है कि हम लोग क्लोरीन वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 रखे या ब्रोमीन वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 रखे या फ्लोरीन वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 रखे, हर तरफ से हम लोग का सिनेरियो एग्जैक्टली सेम है, कहीं कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। इसका मतलब अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते काम। तो जब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से काम नहीं हो पा रहा तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना पड़ेगा, जहाँ पे ब्रोमीन वाले पार्ट को हम लोग आराम से ब्रोमो बोल सकते हैं, क्लोरीन वाले पार्ट को हम लोग आराम से क्लोरो के लिए मेंशन कर सकते हैं, और फ्लोरीन वाले पार्ट को हम लोग आराम से फ्लोरो के लिए मेंशन कर सकते हैं। और अल्फाबेटिकली पहले बी आएगा तो ये सबसे प्रेफरेंस में होगा। बट फिर सेम दिक्कत कि यहाँ कार्बन नंबर 1 तो है, अब ऊपर वाले पार्ट को 3 डाले कि नीचे वाले पार्ट में फ्लोरीन को 3 डाले, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो 1, 3, 5 नीचे से जाने पे भी 1, 3, 5 इसी टाइप से वैल्यू आ रहा। तो ब्रोमीन के कार्बन को कार्बन नंबर 1 मानते हुए भी काम करे तो भी दोनों तरफ से जाने पे 1, 3, 5 आ रहा, और ज्यादा अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
तो हम लोग का क्लोरो और फ्लोरो में पहले क्लोरो वाला पार्ट आएगा, इसका मतलब अपने नंबरिंग वाले पार्ट में अगर हम लोग यहाँ कार्बन नंबर 1 मानते हैं तो हम लोग फिर ऊपर 2 और 3 मानेंगे, ताकि क्लोरो वाला पार्ट अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिले। तो 1, 3 और 5 ऐसा मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर में 6 का कार्बन चेन मतलब साइक्लो, और हम लोग के पास हेक्स का कार्बन चेन वाला पार्ट 6 का था, तो हेक्स कोई डबल बॉन्ड नहीं है मतलब साइक्लोहेक्सेन। इस केस में हम लोग के 1 पोजीशन पे ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो मेंशन कर दिया, उसके अलावा 3rd पोजीशन पे क्लोरो है 3rd पे क्लोरो मेंशन कर दिया, और 5th पोजीशन पे फ्लोरो है तो 5th पोजीशन पे फ्लोरो मेंशन कर दिया। अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो जाएगा, फिर उसके बाद क्लोरो जाएगा, फिर उसके बाद फ्लोरो जाएगा। तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन वर्ड आराम से मेंशन किया जा सकता है। समझ आया मिली? यस सर। क्या गलती कर रही थी, समझ में आ गया? हाँ। ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो साइक्लिक कंपाउंड में। ये कंपाउंड तो हम लोग कर चुके हैं, 10 नंबर 11 नंबर को होमवर्क में दे देंगे तुमको। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करके देखो। अच्छा सवाल है ये भी। लाइट बहुत देर से नहीं है क्या? क्या उसमें एक मैसेज डाले थे विशाल सर, पावर ग्रिड में आग लग गया था। सबसे पहले तो हम लोगों को लोअर सेट ऑफ लोकिंग टूल में कार्बन चेन का नंबरिंग करना है, उस एक चीज का थोड़ा ध्यान देते हुए काम करना है तुम लोगों को। अब कार्बन चेन का नंबरिंग करेंगे तो आइदर 1 के बाद 2 इधर डालेंगे, 3, 4 ऐसा डाल सकते हैं एक पॉसिबिलिटी, या फिर हम इसको ग्रीन कलर से डिनोट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा लेके चल सकते हैं। बट देख के मालूम पड़ रहा है कि ग्रीन वाला नंबरिंग यूज करेंगे तो 1+5 आ रहा है, जबकि रेड वाले में 1+3 आ रहा, तो ग्रीन वाला तो किसी काम का नहीं है। उसके बाद अगर और नंबरिंग की बात करें हम लोग, तो बाकी बचे हुए नंबरिंग में एक और काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इस बार नंबरिंग वाले पार्ट को कंसिडर करना शुरू करें, तो इस बार हम नंबरिंग नीचे वाले पार्ट से शुरू कर देते हैं, यहाँ कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसा भी कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है डिस्कशन का कि जिसमें इसमें भी एक और पॉसिबिलिटी और से डिनोट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 1+5, 1+3 ऑब्वियसली बात है 1+5 अपने काम का नहीं होगा, इस चीज को छोड़ा जा सकता है। तो आइदर रेड वाला नंबरिंग करो या फिर ग्रीन वाला नंबरिंग करो, 1+3, 1+3 मतलब दोनों तरफ से 1+3 ही आ रहा है, तो इससे तो डिसाइड नहीं कर सकते। जब इससे डिसाइड नहीं कर सकते तो अब क्या करें? तो हम लोगों का जो सब्स्टिट्यूएंट है इसके पोजिशन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग रेड वाला नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4 फिफ्थ पोजीशन पे हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, जबकि ग्रीन वाले नंबरिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हम लोगों का अगर उस अनसैचुरेशन के पोजीशन से हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम लोग का नंबरिंग किस साइड से शुरू करना चाहिए, रेड वाला पार्ट या ग्रीन वाला पार्ट, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल लोएस्ट सेट ऑफ लोकिंग टूल मिल रहा, तो हम लोग पहले सब्स्टिट्यूएंट को कंसिडर करना शुरू करेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट में हम लोगों का जो सब्स्टिट्यूएंट का ग्रुप है रेड वाले नंबरिंग में जाने पे 5th पोजीशन पे आ रहा है, जबकि ग्रीन वाले नंबरिंग में जाने पे हम लोगों के 6th पोजीशन पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है हम लोग रेड वाले नंबरिंग को फॉलो करते हुए काम करेंगे, ग्रीन वाले नंबरिंग को हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो अपने नंबरिंग का पार्ट हो गया। नंबरिंग के पार्ट को फॉलो करने के बाद अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करना शुरू करें तो सबसे पहला पार्ट साइक्लो, 6 का कार्बन चेन है इसका मतलब हेक्स, 2 डबल बॉन्ड है उसके अंदर तो हेक्सा, और उसके बाद 1, 3 डाइईन वर्ड यूज कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सा 1, 3 डाइईन, जिसके कार्बन नंबर 5 पे एक हम लोग के पास इथीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बन नंबर 5 पे इथीन ग्रुप वाले पार्ट के लिए हम लोग आराम से इथिनाइल वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो 5 इथिनाइल साइक्लोहेक्सा 1, 3 डाइईन, ये अपना नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन किया जा सकता है, ये अपने कंपाउंड नंबर
14 है, कौन सा एग्जांपल है? 4, हाँ सॉरी 14, इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो जाएगा, नोट कर लो इस चीज को, अगर कोई डाउट होगा तो आराम से पूछ सकता है। साइक्लिक कंपाउंड में एग्जांपल्स ट्राई कर करके देखना, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में रूल्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप होते हैं, जैसे एक ये कंपाउंड है तो इसका हम लोग सबसे लास्ट में छोटे से पार्ट में नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का जब सिनेरियो होता है तब भी उस तरह का एक नोमेनक्लेचर का पार्ट होगा, उसी चीज का भी डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से। आज के लिए हम क्लास यहीं पे रोक रहे हैं क्योंकि लाइट भी नहीं है, हो सकता है लाइट डिस्चार्ज हो जाए, मतलब नेट डिस्चार्ज हो जाए। तो होमवर्क आज के लिए दे रहे हैं तुम लोगों को, ट्राई करके देखना होमवर्क वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर वर्कशीट वन का सबसे पहला काम, वर्कशीट वन वाले पार्ट में होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी इस क्वेश्चन को करा चुके हैं, 5, 7, 8 वर्कशीट वन में, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 8 वर्कशीट टू में, क्वेश्चन नंबर 10, 11 वर्कशीट टू, क्वेश्चन नंबर 10, 11 उसके बाद वर्कशीट थ्री में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 वर्कशीट थ्री वाले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 15, 7 के बाद 15 उसके बाद 29 तुम लोग को होमवर्क तो स्पेशल फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास में कर लिया था तो मिल चुका है होमवर्क, ठीक है। उसके बाद नोमेनक्लेचर सर हाइब्रिडाइजेशन क्या फिर से बोलो, क्या बोला सर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट सर, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन क्लास में बताया नहीं क्या तुम लोगों को? बता दिया पहले लेक्चर में, बताया था सर। हाँ हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बाकी केमिकल बॉन्डिंग में पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन या कॉन्सेप्ट क्या है। हम ऑर्गेनिक में केवल तुम लोगों को काउंट करना बताए थे, अगर तुम लेक्चर नहीं देखा होगा तो लेक्चर देखना ऑनलाइन जा करके, हम केवल काउंटिंग बताए थे कि हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या है और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, बट क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद वर्कशीट नंबर 4 भी हम लोग होमवर्क दे चुके हैं, 5 भी होमवर्क दे चुके हैं, आएगी क्वेश्चन, अच्छा नहीं अभी भी ट्राई नहीं कर सकते, एक क्लास के लिए और रुकना पड़ेगा, ठीक है। ये तो तुम्हारे वर्कशीट में होमवर्क हो गया। वर्कशीट के अलावा जो एक बुकलेट सबसे पहला वाला था उस बुकलेट में होमवर्क नोट करना शुरू करो साइक्लिक कंपाउंड में। पहले वाले बुकलेट में, हाँ ठीक है, ये सेक्शन 1 में एक्सरसाइज 1 में IUPAC नोमेनक्लेचर में ये सब तो हो चुका था, इसका होमवर्क तो दे चुके ना तुम लोगों को, सेक्शन डी तो शायद होमवर्क दे चुके हैं, हाँ ठीक है, और डिस्कशन हो चुका है। सेक्शन ई वाला पार्ट, सेक्शन ई में E1, E2, E3, E4, E5 सेक्शन ई वाले पार्ट में E1, E2, E3, E4, E5 उसके अलावा F3 के अलावा F6 F6 के अलावा भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं, एक लेक्चर रुकना पड़ेगा। हाँ ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 सब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 10, 11 क्वेश्चन नंबर 13 14 का केवल ए पार्ट और बी पार्ट, 14 का ए एंड बी, ठीक है। इतने क्वेश्चंस ट्राई कर लेना आराम से, नेक्स्ट क्लास में इन सब क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे, हो सकता है तुम लोग को एक छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड करके भी हम दे जिसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के नोमेनक्लेचर्स हम लोग अलग से डिस्कस किया करते हैं, जैसे इपॉक्साइड जो है वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बट फिर भी हम चाहेंगे कि एक बार उस चीज को देख लो, इपॉक्साइड हो गया, ये स्पाइरो कंपाउंड्स हो गए, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हो गए, इस तरह के 2-3 छोटे छोटे नोमेनक्लेचर्स हैं, इसका एक छोटा सा हम लेक्चर बना करके तुम लोग को
अपलोड कर देंगे, और हो सकता है एरोमेटिक कंपाउंड वाले पार्ट का भी नॉमिनेचर। बहुत ही सिंपल सा चीज है, बस एक बार देखना है तुम लोगों को, और बाकी उसमें चीजें तुमको याद करनी है नॉमिनेचर ऑफ बेंजीन रिंग वाले पार्ट में। एक तुम लोगों को लिस्ट हम भेजेंगे कॉमन नेम का, जिसमें 68 नॉमिनेचर से जो तुमको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम बस ये डिसीजन करेंगे कि उसमें से कौन कौन सा नाम तुम लोगों को याद रखना है, और पूरे 2 साल में सब चीजों का जरूरत पड़ेगा। तो कॉमन नेम वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिसीजन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपना नॉमिनेचर का टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा, उसके अगले क्लास से फिर हम लोग आराम से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट का केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे, और केमिकल बॉन्डिंग काफी लंबा टॉपिक चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आराम से उस चीज का डिसीजन करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे सर, सब्जेक्टिव का 1 नंबर बता दीजिए ना। सब्जेक्टिव का? हाँ बोलो बोलो भाई। सर 1 नंबर सब्जेक्टिव का, 1 नंबर क्या है? 1 नंबर सर, सब्जेक्टिव का 1 नंबर फाइंड द, यही है सवाल ना? जल्दी बोलिए, हाँ सवाल है ना। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत आ रहा है तुमको? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन, क्या बताया था डिग्री ऑफ हाइड्रोजन? कोई बताया डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कल? हेलो सर, कार्बन वाला नाम बताए थे सर, जिसमें कार्बन, जब कार्बन वाला बताए तो वहाँ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी बताए थे साथ ही साथ, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन बताए थे। समझ आया? सर देख लेंगे, कॉपी पलट करके देखो। जैसे ही डिग्री ऑफ कार्बन बताया था ना, तो डिग्री ऑफ कार्बन के जस्ट आगे हाइड्रोजन, एल्कोहल, अल्काइल लाइट, तीनों चीज बताया होगा कम से कम, ठीक है? चलो ठीक है, तो आज के क्लास यहाँ पे एंड करते हैं आराम से, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर।